स्टीफन आर कवी की बुक द सेवन हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में कुल 7 हैबिट है, जिनमें से स्टार्टिंग की 3 हैबिट को मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जो हमें इंडिपेंडेंट होना सिखाती है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, और बाकी की 4 हैबिट को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। मान लो मेरा और आपका एक चौराहे पर दुकान है। कोई कस्टमर मेरी दुकान पर सामान खरीदने के लिए आता है। वह जिस सामान को खरीदने के लिए मेरे पास आता है, वह सामान मेरे पास नहीं है। अब मैं उसे आपकी दुकान के बारे में बताकर भेज देता हूँ कि वह सामान आपकी दुकान पर मिलेगा। और जब कोई कस्टमर आपकी दुकान पर जाता है और आपके पास सामान नहीं रहता, तो आप उसे मेरी दुकान पर भेज देते हो। इसको बोलते हैं विन विन सिचुएशन, क्योंकि हम दोनों यहाँ पर एक दूसरे के प्रॉफिट के बारे में सोच रहे हैं। एक हाईली इफेक्टिव पीपल हमेशा अपने साथ लोगों के जीत के बारे में भी सोचता है। अगर मैं उस कस्टमर से बोलता कि आपके सामान बहुत ख़राब होते हैं, आप सामान को बहुत महंगा देते हो, तो क्या इससे मेरा फ़ायदा होता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो सामने वाला दुकानदार भी आपके साथ ऐसा ही करेगा। इस चक्कर में आप दोनों लोगों को लॉस होगा और वह कस्टमर दूसरे दुकान पर जाने लगेंगे। पर हमारी सोसाइटी में एक ऐसी मेंटालिटी बन गई है कि हमें लगता है अगर हमें जीतना है तो सामने वाले को हारना पड़ेगा। पर ऑथर के अकॉर्डिंग एक हाईली इफेक्टिव पीपल में थिंक विन विन की हैबिट होती है। वह अपने साथ लोगों के जीत के बारे में भी सोचता है। हैबिट नंबर 5, पहले समझने की कोशिश करो फिर समझे जाने की। हमेशा लोग बोलते हैं मेरे बच्चे मुझे नहीं समझते, मेरी बीवी मुझे नहीं समझती, मेरे फ्रेंड्स मुझे नहीं समझते। पर क्या आप उन्हें समझते हो? मान लो आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है और आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर थोड़ी देर आपकी प्रॉब्लम सुनने के बाद आपको अपना चश्मा निकाल कर दे देता है और बोलता है आप इसे पहन लीजिए, इस चश्मे को मैं 10 सालों से लगा रहा हूँ और सच में इससे मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। आप चश्मा पहन लेते हो, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है, आपको धुंधला दिखाई देने लगता है। फिर आप डॉक्टर से बोलते हो मुझे तो सब धुंधला नज़र आ रहा है। डॉक्टर बोलता है पॉजिटिव सोचो। आप पॉजिटिव सोचते हो, फिर भी आपकी प्रॉब्लम ठीक होने के बजाय बढ़ती जाती है। फिर आप वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हो। अब अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम होगा, तो क्या अब आप उस डॉक्टर के पास जाओगे जो आपकी प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझने से पहले आपका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिया? आई थिंक आप उसके पास दोबारा नहीं जाओगे। अगर हमें सामने वाले के प्रॉब्लम के बारे में जानना है, तो हमें उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि हम उसके बारे में अच्छे से समझ सके और उसकी हेल्प कर सके। पर हम लोगों को समझने के बजाय उनको जवाब देने के लिए सुनते हैं। वैसे तो हम लोगों को 4 तरीके से सुनते हैं। पहला, लोगों को नज़रअंदाज करना। दूसरा, झूठ मूठ का दिखावा करने के लिए सुनना। तीसरा, लोगों की बातों का कुछ पार्ट सुनना। और चौथा, लोगों को ध्यान से सुनना पर समझने की कोशिश ना करना। पर ऑथर बोलते हैं एक 5वां तरीका होता है जिससे हमें लोगों को सुनना चाहिए, उसे इम्पैथिक लिसनिंग बोलते हैं। इम्पैथिक लिसनिंग का मतलब होता है लोगों को समझने के लिए सुनना। हमें खुद को दूसरे की जगह पर रखकर चीज़ों को देखने की कोशिश करनी चाहिए और उसे समझने की भी। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट के अकॉर्डिंग हम जो बात करते हैं उनमें हम जो वर्ड बोलते हैं, एग्जाम्पल तुम क्या कर रहे हो, उससे हमारी कम्युनिकेशन केवल 10% होती है, जबकि 30% हमारी ट्यून पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जबकि 60% हमारे बॉडी लैंग्वेज पर डिपेंड करता है। इसलिए हमें लोगों से बात करते समय, उनको सुनते समय इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। इससे हमें लोगों को समझने में हेल्प मिलती है। तो प्लीज पहले लोगों को समझो। अगर आप लोगों को समझोगे तो लोग आपको समझेंगे। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी का यूज करें। अगर 2 पौधों को नज़दीक लगा दिया जाए तो उनकी जड़ें आपस में मिलकर उस जगह की मिट्टी को बहुत ही अच्छी बना देती हैं, जिससे उन पौधों का ग्रोथ बहुत अच्छा हो जाता है। अगर उन्हीं दोनों पौधों को अलग अलग लगाया जाए तो उनकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। दोस्तों, सिनर्जी की हैबिट हमें मिलजुल कर एज अ टीम काम करने के लिए बोलता है। मान लो किसी प्रोजेक्ट के बारे में मैं कुछ अलग सोचता हूँ और आप कुछ अलग सोचते हो, पर जब हम दोनों लोग मिलकर उसके बारे में सोचते हैं तो हमें एक तीसरा ऑप्शन मिल सकता है जिस पे हम दोनों एग्री करते हों। इसके लिए हमें हैबिट नंबर 5 का यूज करना चाहिए, यानी एक दूसरे को समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद हमें वो थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा। कहते हैं ना, एकता में शक्ति होती है। तो सिनर्जी की हैबिट हमें यही बताती है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। आपकी टीम जितनी ही बड़ी होगी, आपके पास उतने ही आइडियाज और कैपेसिटी होंगे और आप उतना ही ज़्यादा ग्रो करोगे। हैबिट नंबर 7, आरी की धार तेज करना। मान लो आप एक जंगल में जाते हो और आप वहाँ पर देखते हो कि एक आदमी वहाँ पर आरी से पेड़ काट रहा है। आप उससे बोलते हो कि तुम यह कितनी देर से कर रहे हो।
वह बोलता है, मैं 5 घंटे से पेड़ काट रहा हूँ और यह बहुत मेहनत का काम है। तो आप उससे बोलते हो कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो और अपनी आरी का धार तेज कर लो, उसके बाद तुम्हारा पेड़ जल्दी से कट जाएगा। वह बोलता है, मेरे पास आरी का धार तेज करने का टाइम ही नहीं है, मैं पेड़ काटने में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। हैबिट नंबर 7 हमें आरी की धार तेज करने का टाइम देता है। यह हैबिट हमें खुद को सेफ और डेवलप बनाने के लिए बोलता है। ऑथर बोलते हैं, हम इन 4 तरीकों से खुद को सेफ और डेवलप बना सकते हैं। पहला, फिजिकल। क्या हो अगर हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया हो पर हमारी बॉडी हमारा साथ ही ना दे, हम हमेशा बीमार रहें। इसलिए हमें हमेशा एक्सरसाइज करना चाहिए, अच्छा नींद लेना चाहिए, अच्छा खाना खाना चाहिए। और दूसरा, मेंटल, यानी हमें अपने माइंड के लिए अच्छी बुक पढ़नी चाहिए, अपने लाइफ के बारे में सोचना चाहिए, अपने गोल सेट करने चाहिए और प्लान करना चाहिए और चीज़ों को लिखना चाहिए। तीसरा, स्पिरिचुअल, हमें भगवान ने बनाया है तो हमें इसके लिए उस एनर्जी को थैंक यू बोलना चाहिए और अपने रिलीजन के बुक्स को पढ़ना चाहिए और उसे फील करना चाहिए और दूसरे रिलीजन की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चौथा, सोशल, अब अपनी हैबिट्स को इन सोशल लाइफ में अप्लाई करो, लोगों से अच्छे रिलेशनशिप रखो, लोगों की रिस्पेक्ट करो, लोगों की हेल्प करो। ऑथर के अकॉर्डिंग ये वो 4 तरीके हैं जिससे हम खुद को सेफ और डेवलप बना सकते हैं। तो हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बनो। हैबिट नंबर 2, अंत को ध्यान में रखकर काम करो। हैबिट नंबर 3, पाली चीज़ें पाले रखो। इन तीनों हैबिट को मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन। हैबिट नंबर 5, पहले समझने की कोशिश करो फिर समझे जाने की। हैबिट नंबर 6, सिनर्जी का यूज करो। हैबिट नंबर 7, आरी की धार तेज करो। ये पावरफुल बुक इन 7 पावरफुल हैबिट को हमें सिखाती है। हैबिट से ही डिसाइड होता है कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा। तो आप इन हैबिट को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करो। थैंक यू।